ये जायंट बुद्धा 80 फीट हाइट। जायंट का मतलब है विशाल, बड़ा बड़ा बुद्धा। अब आपको हम 80 फुट का जो यहाँ सबसे ऊंचे बुद्ध की स्टैचू है उसको दिखाते हैं। ये सामने गेट और ये सामने जो स्टैचू है वो 80 फुट ऊंची है। ये जायंट बुद्धा की यहाँ की सबसे बड़ी स्टैचू है। और ये यहाँ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, दाई बुत्सो विशाल बुद्ध मूर्ति। दाई बुत्सो बोलते हैं इसको, हम दाई बुत्सो भी बोलते हैं जापानी भाषा में। इसका मतलब है 80, ये 80 फुट है। और दाई जो कि बौद्ध संस्था द्वारा ही, जो अभी बुद्ध विहार का रिकॉर्ड हमने किया था उसके साथ ही बनी है। मूर्ति चुनार के गुलाबी पत्थरों को जोड़कर बनाई गई है और कमल की मूर्ति का आकार दिया गया है। मूर्ति बहुत ही खूबसूरत है और लाल ग्रेनाइट पत्थरों का इसका इस्तेमाल है। दक्षिण भारत के यानी साउथ इंडिया के मूर्तिकार गणपति, गणपति जो शब्द है ये पाली का शब्द है। सतपति, सतपति का मतलब है सत्य पथ पर चलने वाले, यानी कि जो पांच शील का पालन करते हैं, उन्होंने इसका नक्शा बनाया है। और ऋषि केश दास गुप्ता उनका नाम है। ये ऋषि को हम पाली में इसी बोलते हैं, इसी केश, और दास का मतलब दस्य होता है। जैसे हम कहते हैं बुद्धस्य, तो ये दस्य वहां से बने हुए लोग हैं। और गुप्त काल का मतलब गुप्ता होता है। ये सारा ही जो लोग हैं ये सब बुद्धिस्ट लोग हैं जो बाद में अपनी जानकारी खो गए और उनको पता नहीं चला। ये अनावरण इसका 20 फरवरी 1996 को इसका हुआ है, 1996 में, जब डॉक्टर A.R. किदवई महामहिम राज्यपाल बिहार के यहाँ आए थे। ये मूर्ति निर्माण में लगभग 4 साल लगे हैं और मूर्ति की ऊंचाई 64 फुट है, कमल की ऊंचाई 6 फुट है और आधार की 10 फुट है। ऐसे करके ये पूरी लगभग 80 फुट बनती है, यानी 64 फीट जो है वो स्टैचू है। ये जानकारी बड़े कमाल की है। और उससे बड़ी कमाल की बात यह है कि बुद्ध के समय में कोई मूर्ति नहीं थी। बुद्ध की मूर्तियां बहुत हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव राव जी अम्बेडकर, जो भारत रत्न विश्व रत्न है, उनकी हैं। दुनिया में ये दो मूर्तियां बहुत ज्यादा हैं क्योंकि इन दोनों ने ही बड़े कमाल की बात की है। भगवान बुद्ध ने बहुत लोगों को शिक्षा दी और डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों, गरीब लोगों को उठाया एक साथ। दुनिया में वो पहले नंबर के विद्वान बुद्ध के बाद माने जाते हैं। मूर्ति पूजा जो स्टार्ट हुई है ये बौद्धों की परंपरा नहीं है। बौद्धों के समय कोई मूर्ति नहीं थी क्योंकि ना लोहा था, ना छेनी थी और ना कोसा। पहला जो लकीर जिसको बोलते हैं वो अशोक के सामने, अशोक की लिपि में आई, जिसको पत्थर की लकीर बोला जाता है, जो पत्थर पर लकीरें बनाई गई। कैसे बुद्ध थे कैसे नहीं थे इसका कोई मूर्ति किसी के पास नहीं है। मगर जो बुद्ध की मूर्ति के जो लक्षण हैं, जो सिंगली भाषा में और जो बाद में ग्रंथों में मिले हैं, उसके अनुसार ही बुद्ध की स्टैचू और उनकी दशाएं बनाई जाती हैं। और ये देखिए, ये मूर्ति विशाल मूर्ति है मगर विशालतम नहीं है, क्योंकि बुद्ध की मूर्तियों का प्रचलन इतना ज्यादा है कि दुनिया के जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनकी फिलोसफी को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने बड़ी विशाल मूर्तियां यहाँ बनाई हैं। और ऐसी विशाल मूर्तियां जो कमाल की रही हैं, उन मूर्तियों में से एक मूर्ति ये भी है। ये मूर्ति यहाँ, ये 80 फीट ऊंची मूर्ति यहाँ आप देखिए। और इसमें साथ में जो उनके खास तौर से जो उनके शिष्य यानी कि जो उनके डिसिपल थे, यानी जो उनके स्टूडेंट थे, उनकी भी यहाँ 12 10 हैं, अभी चेक करता हूँ। मूर्ति यहाँ एक एक का दर्शन में आपको कराता हूँ, ये देखिए। अब हम साइड में यहाँ से चलते हैं और ये आनंद की सबसे पहले मूर्ति है। ये जो मूर्ति है ये आनंद की है। ये आनंद जो उनके चचेरे भाई भी थे और उनके पर्सनल मैनेजर भी थे और उनकी मेमोरी कार्ड यानी कि हार्ड डिस्क भी थे। सारा त्रिपिटक इस सत्य थी आनंद की कि भगवान जहां भी जाएंगे, जैसे भी बताएंगे, वो वैसा का वैसा ही मुझे आके बताएंगे। जब बुद्ध की सारी बातें इकट्ठी की गई तो उसमें आनंद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। बड़ी लंबी कथा है, फिर कभी बताऊंगा। और आनंद ने वो सब बताया। ये सारी पुत्र है, सारी पुत्र कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि के बड़े जानकार थे और उनके लेफ्ट हैंड थे सारी पुत्र। सारी पुत्र और मुदगलैन दोनों ही बहुत दोस्त थे। और ये पूर्णा है और
उना और उसके बाद में ये महा कच्चाना है, महाकच्चाना, ये महाकच्चाना की है आप जरा, और महाकच्चाना के बाद में ये राहुल उनके पुत्र की है, इसने छोटी बनाई है। क्योंकि बुद्ध के तो कोई पुत्र, बुद्ध ने तो घर को प्रवजित कर दिया, तो ये राहुल की है। राहुल भी प्रवज्ञा प्राप्त की थी और वो भी घर छोड़ के चले गए। ये मूर्ति का बैक है, आप देखिए कि ये गुलाबी जो पत्थर है, पीछे एक जाली भी है और ये फाउंडेशन इसका ग्रेनाइट से बना हुआ है। कमल का इसका बेस है, ये कमल खास तौर से उनके बर्थ को इंडिकेट करता है, क्योंकि जो उनकी माता थी उनको तो सफेद कमल के साथ में एक हाथी दिखाई दिया था। और ये देखिए सूरज की रोशनी में कितना गजब का लग रहा है, ये सूरज भी साथ दे रहा है। और ये सुबूति है, सुबूति उनके एक डिसिपल, और ये उपाली, उपाली बहुत कमाल के उनके डिसिपल रहे हैं। ये सभी लोग बड़े लीजेंड हैं। ये महाकश्यप है, ये महाकश्यप का है, सब सिंबॉलिक है, कोई ओरिजिनल नहीं है। ये महामोगल लाइन है, ये सारिपुत्र के वास्ते से पहले यानी राइट हैंड पार्ट थे, और ये अनिरुद्ध थे जो उनके एक भाई थे। ऐसे करके ये 10 उनके डिसिपल दिए हुए हैं। और आप जब यहाँ आए तो इस पे खूब सारी स्टैचू, खूब सारा आप खिंचवाएं। मैं थोड़ा सा इसको ले रहा हूँ, मैं सुधीर राज सिंह, जापानी बुद्ध विहार, 80 फुट स्टैचू, इंडिया, थैंक यू।